नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता शर्मा वास्तु आर्किटेक्चर चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने वास्तु और आर्किटेक्चर के कम्बिनेशन में आपको रंगों की महत्ता के बारे में बताऊँगी। जैसे कि आपको पता ही है, रंगों के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी होती है और रंगों से ही हमारे ज़िंदगी में रंग भरे जाते हैं। और सभी मनुष्य तो क्या, जानवरों को भी रंग पसंद होते हैं और हर मानव जो इस धरती पे है वो रंगों में रंगा रहना चाहता है। तो इसी तरह से ही जैसे घर में हम वास्तु के अनुरूप रंगों का प्रयोग करें तो हमारे घर में खुशहाली और हमारे घर में समृद्धि आ सकती है। हमारी ज़िंदगी जैसी चल रही है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बन सकती है। जैसे कि पता है, ये रंग तो जो भगवान की देन है, हम जैसे देखते हैं जब बारिश ख़त्म होती है तो उसमें जो सतरंगी पिंक बनती है उसको कितनी खुशी से हम छोटे बचपन से ही देखते होते थे कि ये कितनी सुंदर लगती है। अलग अलग उसमें रंग निकलते हैं और यही रंग हमारी ज़िंदगी में रंग भरते रहते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, नीला और बैंगनी रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है और इसको हम अपने बेडरूम में या शयन कक्ष में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे को शांति मिलती है और नींद भी अच्छी आती है। क्योंकि सारे दिन का थका हुआ इंसान अच्छी तरह से 6-7 घंटे आराम चाहता है ताकि वो दूसरे दिन के लिए अपने आप को फिर से तैयार कर सके। इसलिए हमारा जो शयन कक्ष है, बेडरूम है, वो बिल्कुल शांत और पीसफुल होना चाहिए। इसके बिना जो बच्चों का कमरा है वो, उसमें हरा रंग जो है वो एनर्जी का प्रतीक है। बच्चों को हरा रंग एनर्जी देता है और ये रंग एक उन्नति का भी प्रतीक है। जो पूजा घर है उसके लिए पीले रंग को उत्तम माना जाता है। वैसे उसमें लाल रंग भी करवाया जा सकता है, वो भी एनर्जी का प्रतीक है, क्योंकि जो भगवान है वो लाल रंग उसको ज़्यादा प्यारा था, इसलिए लाल रंग पूजा रूम में आप करवा सकते हो या पीला रंग करवा सकते हो। स्टडी रूम में भी पीला रंग श्रेष्ठ है, क्योंकि पीला रंग जो है वो पॉजिटिविटी और एनर्जी देता है। इसलिए स्टडी रूम में जहाँ बच्चों ने पढ़ना होता है उसमें पीला रंग करवा सकते हैं। कई जगह पे तो आपने देखा होगा कि पूरे का पूरा जो स्टडी रूम है वो ही पीले रंग में किया होता है। वो सुंदर भी लगता है, फ्लोरिसेंट कलर है, आँखों को खाता भी नहीं, और जो वो सदाबहार एक कलर है। इसलिए बच्चों के स्टडी रूम में आप पीले रंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बेडरूम साउथ या नॉर्थ में आता है तो उसमें आप सफ़ेद रंग करवाओ। सफ़ेद रंग को साउथ और नॉर्थ में शुभ माना जाता है। आपके बेडरूम में उससे पूरी एनर्जी और शांति आएगी। घर के अंदर जो छतें होती है उसमें ज़्यादा डार्क और ज़्यादा कलर नहीं कराने चाहिए। कोशिश करो कि पूरे के पूरे घर की सारी छतें सफ़ेद रखी जाए, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर में शांति आती है। क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहाँ हम सारे दिन का काम करके थके हुए जाते हैं और उसमें हम भरपूर एनर्जी चाहते हैं कि हमारे को सुख भी मिले, आराम भी मिले, एनर्जी भी मिले और शांति से घर में बैठ के हम दोबारा अपनी दूसरी टास्क के लिए एनर्जी लेके जा सकें। इसलिए घर को वास्तु के अनुसार रंगों में रंगो ताकि आपको पूरी एनर्जी और पॉजिटिविटी दे। धन्यवाद। और मेरा फ़ोन नंबर है 9417423238।